बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रचार करने आए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस झूठा प्रचार करती है और मोदी और भाजपा आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, यह मोदी की गारंटी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मोदी की नजर में सिर्फ चार जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। पीएम मोदी मानते हैं कि गरीब की कोई जाति नहीं होती, वह किसी भी जाति समुदाय में हो सकता है। मोदी ने इसीलिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देकर उनके कल्याण का रास्ता खोला है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी वंदन बिल संसद में लाए। आजादी के बाद पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें विधानसभा और संसद तक पहुंचने की मोदी ने गारंटी दी है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। और आपके इलाके में तो मैं देखता रहा था नहरें, लेकिन मेरा इलाका प्यासा है। मेरे इलाके के लिए, आपके इलाके के लिए भी और राजस्थान के 21 जिलों के लिए मोदी जी ने 45,000 करोड़ रुपए की चंबल की पानी की ईआरसीटी योजना को अपूर्ण किया। अब आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। आप बताओ, देश को आगे प्रधानमंत्री ले जाएगा कि राहुल गांधी ले जाएगा? देश को आगे कौन ले जाएगा? अरे जोर से बोलो भाई, तुम लोग तो सुन। देश को आगे कौन ले जाएगा? देश को मजबूत कौन करेगा? देश से भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? भ्रष्टाचारियों को जेल में कौन भेजेगा?